दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2023। तो दोस्तों आज है हमारा 2023 का फर्स्ट वीडियो। आप देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। आर्मिक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन का हमारा आज का वीडियो है। इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा, किस टाइप से चेक करना है, और इसको हमने पूरा खोला भी हुआ है, इसको चेक किया है। तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिल जाएगी। इसको हम कंप्लीट वीडियो में बिल्कुल ओके करके इसको चेक भी करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से इसे ठीक करना है, पूरी नॉलेज इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने ये देखी, इसका जो यहाँ पर जो पहले भी इसको रिपेयर किया है लगभग एक साल पहले, इसमें यहाँ पर दोस्तों इसका जो प्रिंट जल गया था तो इसको हमने कॉपर से बनाया था। तो दोस्तों ये देखिए मात्र दो IGBT वाली मशीन है, तो दोनों IGBT हमने हीट सिंक सहित यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो सबसे पहले IGBT को यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये देखिए कंटिन्यूटी रेंज पर हमने मल्टीमीटर को रखा हुआ है, 363 इसकी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ रही है। देखिए बीच में हमने ब्लैक लगाकर और सेम इसी पोजीशन में इसमें भी सिर्फ एक जगह, यहाँ पर कुछ नहीं आना चाहिए आपका बिल्कुल भी, कोई भी रीडिंग नहीं शो करना चाहिए। और ये देखिए लास्ट में इसमें 364 दोस्तों, एक से कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम लगभग 360-63 जो भी है दोनों में बिल्कुल ओके हैं दोनों IGBT। दोनों IGBT सही होने के बाद भी दोस्तों, और यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसमें IGBT यहाँ पर देखिए C60N65D इसका नंबर है दोस्तों IGBT का, जो कि काफ़ी हैवी IGBT है। मात्र दो ही IGBT इस मशीन में लगाए हुए हैं इनपुट सप्लाई में। तो दोस्तों दो IGBT, इसके दोनों IGBT ठीक है, उसके बाद भी जो मशीन है देखिए डिस्प्ले आ रहा है, ऑन भी हो रहा है यहाँ पर देख पा रहे हैं, और बाकी जो आउटपुट करंट है इसका नहीं आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने चेक करने के लिए दोनों IGBT यहाँ से निकाल दिए हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए दो चैनल दिए हुए हैं जो देख पा रहे हैं, एक चैनल का जो इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, एक चैनल का इंडिकेटर यहाँ पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारा ये वाला जो चैनल है ये वर्क नहीं कर रहा है, इसमें यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है जिसकी वजह से ये एक चैनल इसका वर्क नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आउटपुट करंट इसका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये हमारे कैपेसिटर हैं और यहाँ पर जिनर डायोड है, रेजिस्टेंस है, लगभग 4-5 कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो ये सबको हमें चेक करना होगा, लगभग इसमें ही कोई ना कोई फॉल्ट मिलेगा, उसके बाद ये मशीन हमारी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले इंडिकेटर को हमने निकाला है, इसको भी हम चेक करेंगे, और ये देखिए जिनर डायोड को भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर रेंज इसकी आ रही है, और मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखा है, दोनों तरफ से रेंज आ रही है। तो जिनर डायोड हमारा शॉर्ट था, और इसको भी यहाँ पर चेक करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी पर रखा है ये हमारा बिल्कुल, ये भी दोस्तों देखिए ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका जो LED बल्ब है ये भी हमारा बिल्कुल ख़राब ही है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दो कंपोनेंट है, इनको हम सबसे पहले लगाकर चेक करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो दोस्तों ये देखिए जिनर डायोड जो कि 8 वोल्ट का है, 8.2 वोल्ट, जिसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। और ये है इंडिकेटर, इसको ये देखिए नया इंडिकेटर है, इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूटी में ये इस टाइप से जल भी जाता है, तो इसकी लैग जो कट करके थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इसको भी हम लगा देंगे। तो दोस्तों लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिनर डायोड को, और इसको आप उल्टा सीधा नहीं लगा सकते, इसको आपको बिल्कुल डायरेक्शन देखकर ही लगाना है। तो इसके बाद में हम एक बार सप्लाई देकर इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों सीरीज के अंदर ही हमने इसको चेकिंग के लिए लगाया है। तो दोस्तों देखिए इसका भी जो इंडिकेटर है हमारा ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा ये वाला चैनल है जो ये भी वर्क करने लग गया है। तो ये दोनों, ये देखिए येलो कलर की LED हमने इसमें लगाई है। तो ये देखिए मीटर को हमने AC 600 वोल्ट पर रखा है, और यहाँ पर हम इसके जो हमारे MOSFET की पल्स है उसको यहाँ पर चेक करेंगे साइड साइड के पिन के ऊपर, 18 वोल्ट AC इसके आ रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए हमारा ये जो चैनल जो डेड था बिल्कुल ओके हो चुका है। और इसके बाद में दोस्तों दूसरे चैनल पर यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे, ये देखिए इसमें 19
लगभग 18-19 वोल्ट सेम वोल्ट है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चैनल हमारे बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इसमें और कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं, जो हमारे IGBT हैं इनको हम वापस से लगा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हीट सेंसर जो कि हमने यहाँ से निकाल दिया था इसका, और इसको यहाँ पर इसी टाइप से जैसे हमने निकाला था ऐसे ही इसको यहाँ पर ये देखिए हीट सिंक के अंदर इसको फिक्स कर देंगे, जो कि हीट पर मशीन को OC ग्लो करता रहेगा, मशीन की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये देखिए तो दोस्तों दोनों जो IGBT हमने इसी टाइप से निकाला था इनको, ये देखिए इनमें नीचे की तरफ हीट सिंक पे दो दो स्क्रू लगे हुए हैं, तो दोनों यहाँ पर चारों जो स्क्रू हैं हम दोनों हीट सिंक के उनको पूरा टाइट कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल हीट सिंक है लूज नहीं रहेंगी, मशीन को इधर उधर रखने ले जाने में जो हमारे IGBT है उसकी लैग है जो डैमेज नहीं होगी, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सोल्डरिंग पेस्ट का आपको यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि जो सोल्डरिंग है इसके अंदर लैग के अंदर बिल्कुल अच्छे से अंदर तक अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, ताकि मशीन के अंदर कोई लूजिंग नहीं रहे, जल्दी से आपके IGBT भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए दोस्तों दोनों IGBT हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है आपको, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए ये D40 है जो इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्लीन के लिए, यहाँ पर आप पेट्रोल वगैरह थिनर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी अच्छे से बिल्कुल पूरी PCB को क्लीन कर देना है। तो ये देखिए इसके बाद में सेट हमारा ऑन हो चुका है, डिस्प्ले आ चुका है, और यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए 147 इसका यहाँ पर आ रहा है सप्लाई, और ये देखिए वायर से शॉर्ट करके आउटपुट करंट भी आ रहा है इसका, ये देखिए। तो चलिए बाकी मशीन हमारा आउटपुट करंट निकालने लग चुका है, और इसके बाद में मशीन को पूरा कसेंगे हम पहले, क्योंकि इस टाइप से लूज को ज़्यादा हम चेक नहीं करेंगे, और सीरीज के अंदर ही हमने इसको चेक किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए टेस्टिंग के लिए हमने अलग से एक केबल लगाया हुआ है, इसको निकाल देंगे सबसे पहले, जो कि हमने डायरेक्ट सप्लाई इसको AC दे दिया था बिना स्विच के, और पूरा वर्क है जो हमने बिल्कुल सीरीज के अंदर ही इसका किया है। तो ये देखिए लीड इसकी बिल्कुल छोटी थी, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो फैन है इसका, फैन का जिक लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए फैन यदि आपका ख़राब है तो उसको आपको काफ़ी ज़रूरी है चेंज करना, वरना जो आपके IGBT हैं एवं MOSFET हैं तुरंत ही ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों थिम्बल हमारी लग चुकी हैं, जो कि AC सप्लाई की हमारे जो पावर स्विच से आ रही है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए यहाँ पर फाइबर की एक प्लेट लगी हुई थी, तो इसको भी यहाँ पर हम लगाकर फिक्स कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर से जब हमारा फैन चलता है तो जो एयर है आगे की तरफ जाती है, तो हमारे जो IGBT हैं बिल्कुल, और नीचे की तरफ जो आउटपुट वाले डायोड लगे हुए हैं, तो हमारे सभी कंपोनेंट बिल्कुल हीट नहीं करते। तो ये देखिए जो आगे हमारे कनेक्टर लगे हुए हैं उसके जो यहाँ पर पत्तियाँ हैं उनको लगाकर कंप्लीट, और बोल्टों को बिल्कुल पूरा टाइट करना है आपको, चाबी की मदद से पूरा टाइट कर लेना है आपको। स्पिनर जो भी आपका यूज होता है, इसमें हमारा 13 नंबर का स्पिनर का यूज हुआ है, कवर को लगा देंगे, और सभी बोल्टों को यहाँ पर लगाकर मशीन को पूरा अच्छे से वेल्डिंग करके चेक करेंगे, और आप देखना कितना अच्छा इसका रिजल्ट आता है वो भी हम चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर पहले मशीन को पूरा फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मशीन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसको चेक करने के लिए हम बाहर चलेंगे, लीड होल्डर लगाएंगे, और चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर हमारे काउंटर के ऊपर, और ये देखिए लीड होल्डर का हमने एक प्लग इसका लगा दिया है, और दूसरा जो अर्थिंग वाला है उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। तो दोस्तों दोनों ये देखिए कनेक्टर हमारे लग चुके हैं, सप्लाई देंगे मशीन को, मशीन हमारा ऑन हो चुका है, देख पा रहे हैं डिस्प्ले, और ये देखिए तो आउटपुट करंट हमारा स्टार्ट हो चुका है, करंट कम है जिसकी वजह से रोड थोड़ा अटक रही है, ये देखिए रोड अटक अटक कर चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पर करंट कम पड़ रहा है, तो करंट को थोड़ा बढ़ा देंगे दोस्तों, लगभग 150 के समथिंग कर देंगे। ये देखिए 146 करंट कर दिया, उसके बाद में रोड देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रही है, वेल्डिंग मशीन हमारा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल
बिल्कुल नए की तरह चल रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेल्डिंग मशीन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से मशीन हमारी वर्क कर रही है। तो दोस्तों इसके अलावा और किसी भी होम अप्लाइसेंस, किसी भी पावर टूल की कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।